अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब दोस्त? यकीनन सब दोस्त जो खैरियत से होंगे, आप तमाम दोस्तों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो दोस्त वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और जिन दोस्तों ने अभी रिसेंटली चैनल को सब्सक्राइब किया है उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जो लाइक किया करें, और जो है कमेंट सेक्शन में जो अपनी कीमती राह से आगाह किया करें, और पॉइंट्स जो आप दोस्तों को मिलते हैं छोटे छोटे वो भी जो है वो कमेंट सेक्शन में बताया करें, जो हमें नहीं पता चलते, हम भूल जाते हैं। तो एक बात आप दोस्तों से और करनी थी कि मैं अक्सर जो है लोकेशनों पर जाता था अकेला, तो कब सर दोस्तों कहना था कि असद भाई जो है वो आप थोड़ा सेव हो जाएँ, किसी को साथ में ले आया करें जो है, ताकि आप जो हैं वो थोड़ा सा सेव रहें, आपके ऊपर कोई जानी जानलेवा कोई अटैक्स होते हैं जैसे भी होते हैं, आप जो है वो कोई हो आपके साथ जो आपको उस चीज़ से बचा सके, या फिर जो है वो दो बंदे होते हैं तो आप दोस्तों को भी पता है कि बंदा काफ़ी जो है वो हद तक इस चीज़ के ऊपर जो है कंट्रोल पा लेता है, कोई दुआएँ पढ़ता है साथ वाला बंदा, तो बंदा जो है वो ईज़िली उस चीज़ से बच जाता है। तो अभी मैं जिस बंदे को साथ में लेकर आया हूँ वो बंदा मैं आपको दिखाता हूँ, वो पैरानॉर्मल फील्ड में एक मैं कहता हूँ कि अपनी एक गिरफ्त रखता है, तो काफ़ी हैंडसम भी है और जो है काफ़ी मैं तारीफें कर रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे कि कौन हो सकता है। तो किधर है, किधर गए? वालेकुम सलाम। ये जी सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। असद भाई के साथ आज आए थे हम एक हॉन्टेड लोकेशन पे, तो बाकी असद भाई ने आप दोस्तों को सब कुछ बता दिया। इंशाल्लाह अब जो है चांद भाई मेरे साथ आप दोस्तों को दिखा करेंगे, मैं इनके साथ आपको नज़र आऊँगा, ये मेरे साथ आएँगे, तो हम मिलकर जो है आपको बहुत कुछ दिखाएँगे। तो बाकी जो है लोकेशन की जो है बात हम करते हैं, तो लोकेशन की बात जो है आप दोस्तों को पहले बता दें या फिर थोड़ा गाइड कर देते हैं, बाकी फिर वो जो बाकी वो ओनर है ना उनसे बात करते हैं। चेयर मूव हुई है पीछे से, ऐसी चेयर्स वगैरह हमारे साथ पड़ी हैं, तो इनमें से कोई मूव हुई है, पक्का नहीं कह सकते कौन सी हुई है। ओके, लाइट जो है वो डायरेक्ट हमारी आंखों में पड़ रही है, तो साइडों पर हमें अंधेरा नज़र आ रहा है। और जो है हम दोस्तों को बता दें जी के इस टाइम हम जिस लोकेशन पर मौजूद हैं, इनके जो है यहाँ के मुलाजम हैं जो चौकीदार हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि वो थे यहाँ से ना छुट्टी पर, जिस चीज़ की वो हिफाजत करते हैं ना, यहाँ से छुट्टी पर थे तो इन्होंने ये जो है वो खाली छोड़ा हुआ था, मतलब किसी बंदे के अंडर नहीं था। अल्लाह अकबर, मैं कहता हूँ फिर अल्लाह ऐसे करते हैं बाहर चलते हैं यार, उठे यहाँ से चलो पहले पहले आप ओनर जो लोकेशन के हैं ना गार्ड, क्योंकि यहाँ पे उसी टाइम से जो है ना वो स्टार्ट हो गई एक्टिविटी, तो बेहतर है कि अल्लाहू अकबर। हमने इंट्रो अगर थोड़ा सा हमने फ़नी मूड में कराया, इसका मतलब ये है नहीं कि हम किसी ऐसी लोकेशन पर हैं जहाँ पर मतलब कि ऐसे मामला नहीं। और यार कैमरा उठाओ यार, ये इधर 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 मुझे भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये फ्रंट है, फ्रंट कैमरा है, फ्रंट है, बैक कर लें आप पहले, यहाँ से मैं कहता हूँ निकलें। अल्लाह अकबर, वो पता नहीं उल्टा आप चला रहे हैं कैमरा, मुझे नहीं पता ना क्या नजर आ रहा है, मैं इसको यार कर लूं चेंज। आप कर लें ना सीधा, अस्तगफिरुल्लाह आपकी फिंगर आ रही है बाय कैमरे यहाँ से ना। अच्छा जी, तो ये मुमताज़ भाई हमारे साथ हैं जिनके हम बात कर रहे थे, यहाँ के ये जो मुलाजम हैं चौकीदार हैं, तो इनसे ही पूछते हैं। अच्छा जी, तुम इतने मतलब की चीज़ देखी या की होया तुम जरा सा दस है, वो थोड़ा सा दोस्तों दस दौ। मैं दो तीन दिन तू घर से काम की वजह तू, तो बाद जितने लोगों दस भी बाबा आता से कोई जादू जू करता सी, फिर उन्होंने एक दफ़ा पकड़िया भी है नाल बंदे बुंदे लैके आता सी, तो कोई हवाई चीज़ा सी वो भी धक्के धुके मार दें काफ़ी नुकसान कर गए, जिन वगैरह जिन्नात वगैरह जिन्नात नुकसान कर गए ने। हमने इनसे बात की है, तो इनसे जो है वो
इनकी ज़बानी जो है आपको बताने का, अपना आपको दिखाने का मकसद ये था कि आप दोस्त जो हैं वो अक्सर कहते रहते हैं कि भाई जो है मुकामी लोग हैं उनका भी जो है वो आप जिनके साथ ये मामला होते हैं तो उनकी भी जो क्लिप्स वगैरह डाल दिया करें। तो इनकी ज़बानी हमने सुना है, जिन दोस्तों को समझ नहीं आई मैं बता देता हूँ कि ये कह रहे हैं कि ये 2-3 दिन से यहाँ पर नहीं थे, छुट्टी पर थे घर, तो पीछे से कोई शख्स आया जो जादू करता था, तो उसने क्या देखा कि खाली पड़े हैं, खंडर हैं, तो उसने जो है यहाँ पर जादू करना शुरू कर दिया। तो इनको नहीं पता था, ये जब वापस आए तो ये यहाँ पर सो रहे थे, ये इनकी चारपाई है, यहाँ पर सोते कभी अंदर होते हैं। तो कहते हैं कि एकदम से मुझे ना किसी ने पकड़ कर ऊपर उठाया, तो मैंने कहा मैं एकदम से डर गया। तो जो इन्होंने डिटेल्स बताई है कि ये डर गए, इन्होंने कहा यार मेरे सिवा और तो यहाँ पर कोई है नहीं, तो ये कौन है, जब इन्होंने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो ऐसे इनके साथ मामला होते रहे, इनको जिन्नात नज़र आए, तो काफ़ी सारे जो है इनको अजीब अजीब सी शक्लों में जो है वो अब भी चीज़ें नज़र आती हैं। उसके अलावा इनको धक्के वगैरह जो हैं उन मखलूक़ात जिन्नातों ने दिए हैं, बहुत सारे मामला जो हैं इन्होंने हमसे शेयर किए हैं। तो अभी जो है हम अपना काम शुरू करते हैं, तो देखते हैं जी जो इनके साथ मामला पेश आए, हो सकता है जो है हमारे साथ भी हों वो मामला, रिकॉर्ड भी हों, तो जो भी होता है आप दोस्तों के सामने ही होगा। ठीक है चंद भाई, करें फिर शुरू, चलें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अच्छा अपना चंद भाई बंद तो नहीं किया? नहीं नहीं। अच्छा ये एक बात और भी कर रहे थे कि हमने इधर ही रहना है, कि उस बंदे ने जो यहाँ पर ब्लैक मैजिक करता है उसने इनको धमकियाँ दी हैं कि मुझे जो है अपना काम करने दो, मेरा कुछ दिन रहते हैं उसके बाद मैं नहीं आऊँगा, मेरा जो है वो चिल्ला काट रहा है जो भी कर रहा है वो मुकम्मल होने दो। तो बंदे वगैरह लेकर आया है, इनको मारने की कोशिश की है। तो ये अब कह रहे हैं कि पहले अकेले होते थे, अब तो भाई इनके साथ हैं, तो अब कह रहे हैं कि आप काम करें, हमने इधर ही रहना है ताकि वो कहीं आ ना जाएं तो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो हमारे लिए भी यही सेफ्टी है कि ये अब जो है वो लोकेशन के बाहर हमारे जो है हिफाजत के लिए बैठे हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई आए तो हम मिलकर जो है उस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। ठीक है भाई, फिर करते हैं शुरू इंशाल्लाह। ठीक है जहाँ स्टार्ट कर दिया जहाँ जी भाई हो गया। अच्छा तो ये लोकेशन है, और बात तो आप दोस्तों ने सुन नहीं ली होगी उस मुलाज़म की। ये कहाँ से आ गया? ये ओपन एरिया है, आ गया होगा कहीं से। तो ये लोकेशन जहाँ एक दफ़ा दिखा दें, जैसे चांद भाई ये ओपन एरिया है ना, तो कोई बंदा भी जो है वो आकर यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। कुछ भी वैसे भी जो है ब्लैक मैजिक जो करते हैं उनको ऐसी ही जगह चाहिए जहाँ पर जो है कोई ना आए, और जंगल टाइप हो। ये इधर दिखाना चांद भाई कैमरा, ये देखिए सारी झाड़ियाँ और अल्लाहु अकबर। दोस्तों को हमने यहाँ से आवाज़ आई, ये आवाज़ सुन रही होगी पहले भी। तो फिर अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह खैर। पहले पत्थर गिरने की आवाज़ आई है और अब ये जो है वो अच्छा खासा मूव हुआ है। कुछ और यहाँ से हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये हमें लग रहा है कि जान भाई इधर आए, इधर आए वीरान है ये जो ये देखिए। ओए वो देख देख देख, अल्लाहु अकबर, ये देखे ये जैसे कोई ना चीज जलाई हुई है, तवीज़ वगैरह चला रही हो, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह अकबर, ओए देख कर यार, चंद भाई मैं आपको बात करने लगा था आपसे, तो बात करने अल्लाह अकबर,
ओए यार ये किधर, या अल्लाह यार, भाई हो बात सकता है करे तो करे क्या यार, अभी इसके पीछे तो नहीं है मामला कोई जो है वो, देखिए आगे से रास्ता बंद हुआ है यार, ये इस रूम के अंदर तो नहीं है वो सब कुछ सर। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बात सही है, क्योंकि क्योंकि वो इधर कोई जाता नहीं होगा, आगे से रास्ता बंद है, उसे तो ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर वो पुरसकून अपने जो है वो सारे मामला जो है उनको अंजाम दे सके। और हमने स्टार्ट भी इसीलिए यहाँ से किया है क्योंकि इंट्रो आपने देखा, हम अंदर थे रूम में, वो जगह भी आप दोस्तों को हम दिखाते हैं, और आप उन भाइयों का भी इंटरव्यू देख चुके होंगे जिनको हमने, जिनसे पूछताछ की है सारा, जिन्होंने बताया जो यहाँ पर होते हैं रात के टाइम, जिनकी ड्यूटी होती है, दिन को भी अक्सर वही होते हैं। तो लेकिन असल मुझे ये रूम लग रहा है कि शायद उसने ना इसी रूम के अंदर किया होगा कुछ। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये देखें इधर से दिखाएं दोस्तों को कि ये देखें रास्ता बंद हुआ इसी जगह पर, ज़्यादा जो है एक्टिविटीज़ हो रही है इधर, गुजरने का रास्ता ही नहीं है। अगर वो गुजरता होगा तो शायद ऊपर से जाता हो, ये भी हो सकता है कि साइड पर कर देता हो और जो है अंदर, या मे बी ये फ्लांग के जाता हो, ये जो पड़ी हुई हो सकता है बोट, क्योंकि वो जैसे वो बता रहा था कि उसके साथ और बंदे भी हैं, शायद हेल्प करवाते हैं उनके साथ, ये भी हो सकता है साइड करके अंदर जाके वो कम करता हो अपना अमल, और उसके बाद फिर से वापस जो है वो बंदे इसके आगे कर देते हो पीछे से। और ये भी आप दोस्तों को बता दें कि पहले इस लोकेशन को देखने शहजाद भाई आए थे, और लेकिन उस दिन ये जो है जो यहाँ पे एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करता है भाई, वो नहीं मिला था इनको, ऐसे उनको वापस जाना पड़ा। तो सिर्फ वो सिर्फ देख कर गए थे कुछ उन्होंने, तब भी उस दौरान भी उनको कुछ एक्टिविटीज़ जो मिली थी, लेकिन पूरे मामला का उनको नहीं पता था ना, वो बात जान सके थे क्योंकि उस दिन उनको वो जो जिनका भी हमने जो है वो आपको वीडियो दिखाई है, उन भाई से इनकी मुलाकात नहीं हुई थी शहजाद भाई की। भाई यहाँ से जाता है यार वो, ये तो हमने देखा, ये तो काटी हुई है, ये देखो जाली को ना उसने काटा हुआ। मुरियारी के अंदर कुछ सामान भी पड़ा है यार, वो बकायदा कटी हुई है वो, देख यार ये पकड़ना, मैं अंदर जाकर ना देखूं ना, ये मुझे देख, लेकिन ध्यान से यार क्योंकि अंदर के वो बिल्कुल ठीक है साथ वाली, जमीन ध्यान से जाना, ये दरवाजा है, अल्लाह अकबर, जाना थोड़ा मुश्किल होगा फिर भी ध्यान से यार, ये अंदर चीज़ है, दरवाजे आ रही है यार, ये यहाँ से मिट्टी निकली है, ये मेरे ऊपर भी आई है, ये जो बच्चा है ना, अकबर कोने में कोई चीज़ है, अल्लाह अकबर, जैसे ही मैं अंदर जाने लगा मेरी टांग खींच ली पकड़ के, एकदम से डर गया हवा में, ऐसे पीछे को आए हो, सिर्फ आपका हाथों पे सहारा था वरना मुंह के बल गिरना था आपने, अस्तगफिरुल्लाह यार, अब तो मुझे शान भाई लग रहा है कि इसके अंदर जो है वो मामलात हैं यार, ये प्रॉपर साइन है इस चीज़ का, अंदर जाने से रोक रही है वो, ध्यान से
यार ये ऊपर करना। चलो चलो यार सर सर ओए बस कुछ चीज है यहाँ पर वो कुछ चीज है गर्दन गर्दन यार मेरा गर्दन मेरा फेस को जैसे नुकीली कोई चीज होती है। अल्लाह मुझे बहुत हिल रही है। अल्लाह अकबर अस्तग़फ़िरुल्लाह कोने में दिखाना। अल्लाह अकबर ये देखें यार ये क्या है ये चिराग जो है ये इतने सारे। अल्लाह अकबर क्या मुझे इधर ही वो जो मैजिक करता होगा। ये तकिए पड़े हैं यार तकिया है ना। अल्लाह अकबर यार ये भी आपको पता ही है ना कि अक्सर वो किसी पर करना हो तो यार वो ये पकड़ लेना ये बाहर से क्या मजा है वो अक्सर उसकी इस्तेमाल शुदा जो चीज़ होती है ना उसको वो उस पर करते हैं जादू वगैरह। या अल्लाह खैर यार ये बंद ही ना हो जाए हम जिस रूम के अंदर हैं ऐसे भी छोटा सा भाई ध्यान रखना। अल्लाह अकबर बड़ी जगह पे आ गए यार। तो ये मुझे लग रहा है किसी का इस्तेमाल शुदा तकिया है तो जिस पर उसको कोई जादू वगैरह करता है इस रूम में। यार मैं अंदर आया मेरी यहाँ से मैं बता दूं कि जैसे ही उतरा हूँ मुझे यहाँ से पकड़ा और जैसे कोई चीज़ खींच कर मुझे दीवार के अंदर ही लेकर जा रही है। ओए ये क्या आया कोई चीज है यहाँ से बाहर निकले यार सॉरी पहले ये देखें कि वो चीज़ इधर तो नहीं है वो चीज़ें जो भी उस चिराग जो है इतने चिराग पड़े हैं यूज कर करके इधर फेंके हुए। ये भी हो सकता है कि वो अक्सर करते हैं अक्सर ऐसे होता है यार वो चिराग लगा के मोमबत्ती चिराग इस तरह की जो रोशनी वाली चीज़ें वो यूज़ करते हैं काले जादू में। तो ये इतने सारे एक कॉर्नर में ऐसे ढेर लगा हुआ है यार मेरा सांस बंद हो रहा है चांद यहाँ से बाहर निकलो भाई मुझे दे लेकिन ध्यान से यार मैं जाना ध्यान से सांस ही बंद हो रहा है अंदर कैसे यार मुसीबत एक टांग भाई रखे फिर उधर से गुजरे बड़ा जल्दी वहाँ से निकल अंदर आए अकबर ऊपर से पत्थर मैं समझ ये जाली नीचे आई है जाली नहीं ऊपर से पत्थर जहाँ से आप आगे बता यार ये ना वो निकलने ही ना दे बाहर। अल्लाह अकबर क्या मेरा तो बुरा हाल हो चुका है ये ना मैं सर निकालूँ मेरे सर के पर आग लगे पहले एक टांग रखो ना फिर निकलूँ
आसानी होगी। अकबर अल्लाह है यार, मेरी हालत देखो यार, अंदर कसम वाली बात है, जो थोड़ी देर और रुकते तो अल्लाह अकबर, मेरी गर्दन बहुत दर्द कर रही है। अल्लाह अकबर, यहाँ से थोड़ा ये साइड इसी के अंदर है यहाँ कुछ चीज तो नजर नहीं आ रही है। वो सामने एक दफा देख ले जाके, वहां तो कुछ नहीं है, वहां भी कुछ है, ढूंढना तो है उस चीज को। अल्लाह अकबर, मस्जिद है, मस्जिद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आ जा भाई, अब उस चीज का मुझे पता नहीं, पर मेन मेरा ख्याल है कि वो अपने जितनी भी मैजिक की जो चीज़ें होती हैं ना, इसके अंदर रखता होगा, और बाकायदा हमने देखी भी है, और अंदर सांस बंद हो रहा है। मेरी पहले हालत जो ऐसी नहीं थी, जैसे अंदर गया हूँ मेरे ऊपर अटैक हुआ है, उसके बाद जो है वो काफ़ी बुरा हाल हो गया है। और यार वो मुसलसल साथ है हमारे, जब से स्टार्ट किया है ना, क्या वो देखो देख कैसे रहा है। हाँ। यार एक बार असद भाई वो जगह दिखा दें जहाँ पे हमने इंट्रो किया है, उस रूम में भी तो मुसलसल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी। और सबसे बड़ी जो हैरत की चीज़ थी ना, कि जैसे ही हमने वो कैमरा ऑफ किया है ना, बंद किया, और हमने उसको रोटेट किया है मोबाइल को, उस टाइम सब कुछ ऐसे थम गया जैसे कुछ था ही। साथ वाले रूम में हम गए, पता नहीं साथ वाले रूम नहीं गए, तो यार सारी घूम रहे। हाँ कुछ चीज ने बहुत जोर से ना, यार ये तो दोनों रूम जो है ना काफी पुराने, पत्थर गिर रहे हैं। ध्यान से तो कुछ नहीं, देखो गंदगी कैसे यहाँ पर, भी हो सकते हैं। ये तो नहीं है कि वो साथ ही लेके जाता हो क्या जी, सामान जो भी वो करता है जादू वगैरह, जो हो सकते हैं। ये क्या पड़ा है इधर, आपके माइक की तार लगी हुई है मुझे लग रहा है, उतरी हुई है शायद। क्या जी अपने माइक की तार देखिएगा, माइक लगा हुआ है, लगी हुई है यार। ये
देखना इधर ये जो पड़ा है, ये तो ये भी मैजिक के लिए यूज़ करते हैं, ये सफ़ेद रंग का चूरना जो है। ये यहाँ पे सॉक्स पड़ी हैं किधर? ये अल्लाह अकबर, अगर तो वो इधर करता है और अपना सामान इधर छोड़ता है तो फिर हो सकता है कि इधर ही हो, लेकिन करना टांग को जैसे यहाँ से पकड़ के कोई चीज़ अंदर खींच रही हो। ये कैसे इधर फिंगर देखो, लगे हुए एक दो तो, तीन यहाँ से पकड़ा गया, ये देखो लाइट भी उल्टी हो गई। कोई चीज है सही? या उस टाइम भी मैं बताने लगा था कि ये जो शायद आप दोस्तों को बात करने की आवाज़ आ रही हो, तो ये वो उस साइड पे सामने वो भाई बैठे हुए हैं जिनका हमने वो इंट्रो लिया था। और असल भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो, उन्होंने हमें बोला कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसे कि वो जिस तरह से वो बदमाशी करता है या वो लेके आता है ना बंदे वगैरह, चलो हम जिन्नात वगैरह का तो है मामला, उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये जो है अब इस तरह बंदे लेकर आए ज़्यादा और हम सिर्फ दो वो हैं चीज़ तो है। बैकअप पे हमारे साथ और कोई नहीं होता। अंदर दिखा दें बाकी यार। बाकी भी जो दोस्त हमें बुलाते हैं अपनी लोकेशन पर, उनको भी चाहिए कि हम ऐसा तावन किया करें, वरना अमूमन बिल्कुल हमें ऐसे ही दोस्त मिलते हैं जो हमें दूर से लोकेशन का बता देते हैं ऐसे ही कि छोड़ के भाई वो चले जाते सामने हैं आगे लोकेशन है, आप वहाँ पे जाके वो इन्वेस्टिगेट कर लें। और बोलते भी हैं कि भाई हमने जो है वो अपनी आपकी ज़िम्मेदारी नहीं उठानी, आप खुद ही जाएं तो खुद ही जो है वो करें, अगर आपको कुछ हो गया तो हम चीज़ के जो है वो ज़िम्मेदार नहीं है जबकि काम भी हम उन्हीं का कर रहे होते हैं। ऐसे ही। ये रूम दिखा देते हैं दोस्तों को, यहाँ पे इंट्रो किया था और एकदम से जो है वो ये मेन डोर ये वाला है ना, इधर से हम गए किचन थे अंदर, किससे? यहाँ से ये था या दूसरा था? हम एंटर यहाँ से ही हुए थे। देखना एक जैसे ये भी लगा हुआ है वो सामने भी हाँ डोर, सर, मतलब भी चारों तरफ ना। तकरीबन ऐसे ही एंटर लगा हुआ था। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अंदर कोई चीज, अंदर कोई चीज है, इधर इधर से लेकर ना। अल्लाह अकबर, अंदर कोई चीज क्या अंदर यार? हुए, हुए, हुए। रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना यार, वो सामने कोई चीज है उस रूम के अंदर। अब रूम किसी नहीं समझ आ रही, सामने कोई रूम है ओपन है वो, जैसे ही मैंने नोक करके पूछा मैंने सामने देखा है तो वो सामने कोई रूम के अंदर कोई चीज़ झांक रही है और वो कोई चीज़ छोड़े हैं वो। अल्लाह
मखलूक ये जिन यही चीज़ है, ये नहीं मैं कह सकता कोई जानवर हो कोई इंसान है, ये वो है ही जिन, क्योंकि मैंने जब देखा है मेरे तो एकदम से होश ही जो है वो उठ गए। वो पिछला ओए हारे हुए बैठे हैं तीनों जिनका हमने इंटरव्यू लिया था। अल्लाहू अकबर, अंदर आवाज आ रही है। आप इधर से जाएं, मैं इधर से जाऊं? हाँ इधर से जाएं। तो यार उनको वो आवाज़ दे रहे हैं कि मसला तो नहीं है, उनको बता दे जाकर या फिर देख ले। मैं कहता हूँ पहले देख लेते हैं। देख लें पहले। और जैसे ही मैंने हमने किया वो सामने सामने चल भाई, इधर नहीं इधर इधर इधर। हाँ वो जो है यहाँ से कुछ चीज़ जाग रही थी। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ध्यान से यार। अल्लाहु अकबर, ध्यान से ध्यान। पीछे 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 कुछ क्या पीछे मूव हुई है, ये चेयर मूव हुई है। ये इनमें इन दोनों में से कुछ चेयर मूव हुई है। अल्लाह अकबर, कुछ पता है आपको दिखने में वो कैसी थी, वो चीज़ क्या था? यार वो मैं क्या आपको बताऊँ। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। चेयर ये वाली ले लिया, ये अकबर दिखा। पता नहीं अभी ये आई है इनमें से आवाज़ आई है किसी की। अल्लाह यार वो इधर ही है भाई, ये देखें चारों तरफ। अल्लाह अकबर, जब तक हम वापस आते हैं ना तब तक चीज़ में पता ही नहीं चलता क्योंकि चेयर्स इतनी ज़्यादा है सेम। ये अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। पीछे इधर ही ये मेरे सामने ये वाली चेयर जो है इसमें मूवमेंट हुई है। ये अस्तगफिरुल्लाह, इसमें अल्लाहु अकबर। हर वो क्लियर दिखा दिया चांद भाई, वो वाला रूम पीछे के ना बहुत ज़्यादा आपको पसीना आ गया। और जैसे मैं तो जब से वो रूम के अंदर गया हूँ तब से मेरी हालत जो है वो अब तो कुछ ज़्यादा ही, जैसे इंसान को खौफ होता है ना जब ये ऊपर से ये जो मुझे वो मखलूक नज़र आई है वो जो जिन नज़र आया मुझे अभी उसी का बोल रहा हूँ ना, उसके बाद तो आप ज़्यादा ही। अकबर इसके अंदर, अल्लाहु अकबर। इन सुराखों से कोई चीज झांक रही थी, इसके पीछे ही है, इसके पीछे ही। चांद भाई मैंने खुद देखा है बाहर कोई चीज नहीं निकली, इसके पीछे ध्यान से। उधर 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 रखें आप कैमरा। अल्लाहु अकबर, इसके पीछे ध्यान से। यो अल्लाह खैर। यार है कोई चीज़? कुछ भी नहीं है यार बाहर। ये आपके पाँव के साथ लगा है, बाहर कोई चीज़ नहीं गई। मैं देख रहा था मेरा ये डोर की तरफ ही मेरा चेहरा था, यहाँ से इस सुराख से किसी चीज़ ने जो है वो झांका है। नहीं है कुछ यार। अल्लाहु अकबर, ओए होए यार। जब
कहते हैं कि ये चीज़ें जो होती हैं जब बंदा देख लेता है, बंदे के जो है ना वो बंदा नॉर्मल नहीं रहता एकदम से, बंदे के जो होश है वो मैं कहता हूँ वैसे ही जो है वो ठिकाने नहीं रहते आप। मैं कहता ये हूँ एक तो बार जो उधर एरिया उधर भी यार देख लें, यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता इधर अंदर वो कहीं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो है वो अपना आप जाहिर कर रही है, कुछ ना कुछ मखलूक यहाँ पर है। एक वो उस साइड भी मैंने एरिया देखा था। ये रूम एक दफ़ा देख लेते हैं। ये ब्लड लगा हुआ है इधर का ना, ये आके जला हुआ है यहाँ से, जला हुआ है। जला हुआ है ये भी रूम में। गंदी स्मेल बाहर आना शुरू हो गई। यार ये तो जैसे अंदर कोई ये कोई चीज मूव हो रही है। चूहा है। बाहर 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 इधर आना ना। वो कबार और यहां से कोई चीज मूव हुई है ना। वो कबार हीट बहुत ज्यादा है। मैं इस साइड पे बात कर रहा हूँ तो किधर? उधर भी तो हो सकता है कि उसने वो चीज़ दफन की हो। देख लेते हैं इधर। अल्लाह हू अकबर। ये वाला सामने वो बैठे बैठे तीनों बैठे भाई, ना तीनों भाई बैठे हुए। बस ये भी यार इनका जो है वो हम शुक्र गुजार हैं जो इन्होंने हमारे लिए इतना किया। ये भी बहुत बड़ा एक जान भाई, आपको पता है कि ये एक्स्ट्रा बंदे को ना एक सपोर्ट मिल जाती है। एक तो होती है ना कि बंदा हम इन चीज़ों से डर रहे होते हैं, ये हमारे साथ कुछ ऐसा हो ना जाए, और ऊपर से ये भी डर होता है कि भाई कोई बाहर से कोई बंदा ही ना आ जाए इंसान जो हमें नुकसान पहुँचाए। चलो एक चीज़ का तो हमें बेनिफिट हुआ ना कि कोई इंसान आए तो चले ये हमारे साथ दोस्त हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह ओ या अल्लाह खैर अल्लाह वक्बर चार भाई अस्तग़फ़िरुल्लाह।